हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हराना एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे फेरिया द डार्केस्ट लाइट, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाती है। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 41 मिनट से लेके 1 घंटे के, और यस ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलती है। एक स्पैनिश सुपरनेचुरल सीरीज है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगा मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है पठान आमिर, जिन्होंने द आउटलैंडर सीरीज के रिव्यू के लिए कहा था, जो कि मैं नहीं कर पाया। रीजन ये कि मैं फिलहाल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, और जो भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो चीज मैं रात को आकर देख रहा हूँ ऑफिस से, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और आउटलैंडर में बहुत सारे सीजन है। चलिए बात करेंगे फेरियर डार्केस्ट लाइट की। तो कहानी शुरू होती है 1975 में, जहां पर एक खदान यानी कि माइन में एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके बाद ये माइन बंद कर दी जाती है लोगों के लिए। लेकिन अब 20 साल बाद यानी कि 1995 में फेरिया यानी कि एक स्मॉल टाउन है जहां पे लोग रहते हैं, ऑब्वियसली टाउन है तो लोग रहते हैं। अब गर्मियां स्टार्ट हो चुके हैं और पहली रात जो कि काफी छोटी रात मानी जाती है, तो फेरिया के जो यंग टीनेजर्स लोग हैं वो लोग इस रात को इंजॉय करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब फेरिया में रहने वाली सोफी और इवा को पता चलता है कि उसके फादर और मदर एलिना और पेब्लो रात को गायब हो चुके हैं। सिर्फ गायब ही नहीं हुए, बल्कि इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक क्राइम किया, यानी कि इनके पेरेंट्स की वजह से 23 लोगों की मौत हुई। और वो मौत कहाँ हुई है? उसी माइन में, यानी कि 1975 में जहां पर हादसा हुआ था उसी माइन में 20 साल बाद 23 लोगों की डेथ हुई है, और डेथ भी बहुत ही कुछ अलग तरह के कल्ट परफॉर्म करने की वजह से हुई है। और इसके चार्ज में सोफी और ईवा के पेरेंट्स एलिना और पेब्लो शक में है, और इसी वजह से वो लोग गायब भी है। तो वैसे में कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि शो के शुरुआत अच्छी होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला सुनने में मजा आया होगा, लेकिन जैसे शो आगे बढ़ते वैसे से ये शो मुझे पर्सनली टॉर्चरस लग रहा था। अगर बहुत सारे ऐसी ऑडियंस जिनको ये शो अच्छा भी लगेगा तो यार वेरी गुड, बट मेरे लिए ये शो बहुत ही ज्यादा निहायत ही टॉर्चरस था। मैं यहाँ पर न्यूड सीन्स की बात नहीं कर रहा, जो कि आपको हर दूसरे सीन्स में आपको कुछ ना कुछ न्यूड ही देखने को मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रही थी और उसके बाद जो कंक्लूजन हमें नजर आ रहा था, वो कंक्लूजन मुझे ऐसा लगा कि क्या है, मतलब सीरियस के नाम पर इंसान कुछ भी बना देता है। तो बॉलीवुड नहीं, ये तो स्पेनिश है। स्पेनिश लोग इतने अच्छे से शोज बनाते, और उन लोगों ने ऐसे शो बनाया जो कि मुझे पर्सनली डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये नॉस्टिज्म को प्रेजेंट कर रहा था। अब नॉस्टिज्म के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि 1st century AD में ज्यूइश और क्रिश्चियन लोग, ये एक ऐसा कल्ट था जिसको वो लोग परफॉर्म करते थे। उसमें वो क्या करते थे वो आप लोग गूगल पे पढ़ सकते हो, लेकिन उससे मिलती जो चीज़ें यहाँ पर देखने मिली, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई है, कुछ डेमन्स भी बताया गया, लेकिन फिर भी वो जो एक मज़ा था ना, वो मज़ा मुझे नहीं आया। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, मतलब अच्छा क्या है, ज़्यादातर न्यूडिटी थी। हाँ, वो जो सुपर नेचुरल जो चीज़ें थी, जो डेमन्स था, उसको अच्छी तरह से बताया, लेकिन एक ऐसा मोमेंट था, एक क्या कई ऐसे मोमेंट है जहाँ पर मुझे लगा कि यार इस शो में अब वेनम भी आने वाला, क्योंकि वो जो ब्लैक सिम्बियोट है ना वेनम का, वो आपको इस शो में भी नजर आता, और मुझे लगा कि अब उस लड़की को जब वो सिम्बियोट पकड़ लेगा तो यार वेनम, मगर ऐसा हुआ नहीं, थैंक गॉड। यार मतलब क्या कर रहे थे शो वाले, क्या माइंड सेट था उन लोगों का, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता। शो का BGM भी ठीक ठाक है, एक्टर्स के परफॉर्मेंस भी अच्छे लगेंगे आपको बस, और अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रखा है यहाँ पर, जो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कोई भी यार। तो मेरे हिसाब से तो ये एक टाइम वेस्ट था, लेकिन अगर आपको न्यूडिटी देखना है जो कि जमकर इस शो में, तो भाई जाके देखो, एक लड़की की हूत में एक डायमंड घुस रहा है वो देखना है, देखो मतलब क्या है यार। पेरेंटल गाइडेंस में क्या बता, बताने की जरूरत है कि ये अश्लील शो है, ये फैमिली के लिए नहीं है। मैं शो को रेटिंग दूंगा 4.5 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना, अगर देखना तो देखो, और आपने ऑलरेडी देखा, आपको पसंद आया तो सैल्यूट है भाई आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।